तो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम तो नहीं है न्यू व्लॉग में, लेकिन ये पिछला व्लॉग दोबारा स्टार्ट कर दिया। कल वाले व्लॉग को एंड करने की हिम्मत कोई नहीं थी मेरे में, बम्पर में पेंट करा लाया था, बम्पर की आप लोग चेक कर सकते हैं, फ्रेश होगा अभी, ब्लैक वाला फ्रेश होगा तो ज़रा कंट्रास्ट हो जाएगा। अभी जी शेरा साहब को बुलाया था मैंने, गाड़ी लो करनी है, गाड़ी हमने जी फ्रंट से थोड़ी सी की है, लेकिन ये शेरा साहब को कीड़ा हो रहा था कि पूरी चूड़ियाँ घुमा दो, अब जनाब जी पीछे से सारी चूड़ियाँ घुमा दी हैं, देखते हैं कितनी को ड्रॉप होती है। टायर का जुगाड़ तो हमारा हुआ कोई नहीं, तो फिलहाल देखते हैं कितनी को ड्रॉप होती है। पीछे सारी चूड़ियाँ हमने फेंक दी नीचे, अल्लाह खैर करे, अब जा रही है नीचे, जाने दे जाने दे जाने, अब गया स्प्रिंग अंदर, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। ये जी थोड़ी बहुत ही ठंडी फिटमेंट फॉर यू, चेक कर सकते हैं आप, क्या करें जी, ये है जी फिटमेंट, अद्धी पचद्धी फिटमेंट फॉर यू। तो होपफुली हमारा टायर कहीं पे लगेगा नहीं, बस मुझे टायर लगने की टेंशन है, बाकी मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह फॉर यू, फोर वे कॉल ओवर फॉर यू, तो मैं चारों साइडें कर लूँ एक जैसी ड्रॉप, फिर आपको मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह। Just too scared to be lonely. No one's safe from the reaper. Not a saint nor a sinner. Rage under my skin, slowly descending to madness. Let it spread like a virus. Be a friend with the violence. Help, there's blood on my hands. Somebody save me from myself. तो गाइस फ्रंट और बैक से दोनों साइडों से ड्रॉप कर लिए, फ्रंट से इतना ड्रॉप हुआ क्योंकि टायर प्रोफाइल फिलहाल बहुत मोटी है, और बैक से थोड़ी टक्कन फिटमेंट हो चुकी है, फ्रंट टू लिफ्ट फिटमेंट, यहाँ से थोड़ा सा लगेगा लेकिन गुजारा हो रहा है फिलहाल, तो अभी तक तो तंग नहीं की। बाहर से चला के आए हैं, अभी बाहर तस्वीरें ली हैं, वो आपको मेरी इंस्टा पर मिल जाएंगी, लेकिन शो के बाद 20th के बाद, इससे पहले ना व्लॉग अपलोड होगा ना तस्वीरें अपलोड होगी, क्योंकि ज़रा सीक्रेटली तैयार हो रही गाड़ी। तो जी दिन में लुक और मज़ीद दिन में व्लॉग्स इसके आएंगे, इसमें एक इशू फेस हो रहा है, वो ये हो रहा है कि वो साइड थोड़ी सी है ना वो ऊंची है, ये साइड थोड़ी सी नीचे हो गई है, तो वो ज़रा देखना पड़ेगा क्या इशू चल रहा है, तो वो इशू रिसॉल्व करने के लिए शायद हमें वर्कशॉप जाना पड़े, अगर तो वर्कशॉप गए तो एक और आ जाएगा व्लॉग, अगर ना गए तो फिर भी व्लॉग आएगा, क्योंकि वो रिसॉल्व करना है, क्योंकि एक साइड थोड़ा सा कोई एक इंच का फ़र्क है शायद, जैसे एक इंच चुप्पी ऊपर है जैसे एक इंच नीचे है, तो थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हुई हुई गाड़ी। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही था, क्योंकि कल से व्लॉग चला, ये दो पार्ट्स में मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, ये दो पार्ट्स का व्लॉग होगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, गाड़ी की फिटमेंट फ़िलहाल जो है फिटमेंट, अगर वो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और प्यारा सा कमेंट भी नीचे वीडियो के कर दें, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और इसकी अच्छी से अच्छी फिटमेंट बढ़ा सकूँ। और रिम्स के कलर के लिए सिल्वर चॉइस थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ब्लैक से जाऊँ, क्योंकि ब्लैक आउट मेरा अच्छा लग रहा, गुड हो रहा। फ्यूचर अपडेट्स, फ्यूचर काम जो भी होंगे वो वीडियो में साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, भाई को दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।